بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب نور وكتاب مبين چوبیس ربیع الاول 1444 ہجری بمطابق 21 اکتوبر سن 2022 عیسوی سرو انبیاء شمس و زہا بدر و دجا خیر الورا ولی بتہا خواجہ دوسرا محبوب رب العلا احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا عہد طفولیت یعنی آپ دا مبارک شاندار بے مثال اور باکمال بچپن بچپن دے اندر شعور نہیں ہوندا اور بچے کولو کئی ناشائستہ غیر اخلاقی حرکات و سکنات دا ارتکاب ہو جاندا ہے اور بڑے اس واسطے اگنور کردے نے نظر انداز کردے نے کہ بچہ ہے اور ایک بات یاد رکھنا کہ جدو تک کوئی شعور دی بلوغت دی عمر نو نہ پہنچ جائے دنیا بھی اس نو کسے بھی ناشائستہ حرکت تے گرفت نہیں کر دی تین بندے مرفوع القلم نے جنہ دے بارے اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین جو نیکی اور بدی دا عمل لکھ دے نے
उन्होंने लिखण तो रोक दिता है। सुता होया बंदा जदों तक जाग न जाए, इसे तरह जदों कोई बच्चा बलूगत दी हद नू ना पहुंच जाए, शऊर दी हद नू, वो भी मरफूल कलम है, कलम उठा लिया गया। और तीसरा वो शख्स है जो फातिर उल अकल है, जिसनों तुसी अपनी जबान कहते हो पागल है, एदा जहनी तवाजन दुरुस्त नहीं, वो जो कुछ भी कहता है जो कुछ भी करता है उसका अमल लिखिया नहीं जाता। गोया कि अल्लाह ताला एक खसूसी मराआत इस तीन किस्म के लोगों को अता फरमाई है। मगर बाज बच्चे तबई तौर पर फितरी तौर पर शरीफ उन नफ्स होंगे, अगरचे उन्हों का कोई तरबियत करने वाला मुरबी नहीं होंदा, मगर रब वालों ही वह सीधा टुरते जाते हैं। उन्हां कोलों कोई ऐसी नाजेबा ना शाइस्ता हरकत नहीं होंदी, तो फिर वो बच्चा जिसनों अल्लाह ताला ने एक आफाकी प्रोग्राम दे के कलिया है, पूरी इंसानियत की रहनुमाई, एक इलाका नहीं, एक जमाना नहीं, एक कौम नहीं, एक कबीला नहीं, जिस तरह के पहले नबी अपनी अपनी कौम दे नबी बन के आए, उन्हां दी नबुवत इलाकाई है, जमानी है, मकानी है, महदूद है, एक दायरे दे अंदर कि ऐस इलाके दा नबी है, ऐस कौम दा नबी है, और सिर्फ इस जमाने दा नबी। लेकिन मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आफाकी विफाकी नबुवत और रिसालत लेके आए ने, आप हर इलाके दे नबी ने, हर दौर दे नबी ने, हर कौम दे नबी ने, हर कबीले दे नबी ने, इत्थों तक कि आप नबियां दे भी नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तो क्या करना कि आज आदम ताईसा जितने भी अंबिया और रसूल आए ने अलैहिमुस्सलाम, सब आप दा इश्तिहार देना है। असल नबूवत, असल रिसालत जो है वो मेरे मुस्तफा दी। गोया के इंज कह लो आप मतन ने, ते बाकी सारे अंबिया और रसूल आप दा हाशिया ने, असल आप ने। जितना भी सिलसिला है नबूवत और रिसालत है लंबा चौड़ा, 1,24,000 अंबिया और रसूल सिर्फ आप दी तमहीद बन के आए, आप दियां बिशारतां, खुशखबरियां, नवीदां, आप दे ऐलान, आप दे इश्तिहारात दिते ने कि वो सोना आ रहा है, अजे आए नहीं तो मां पहला पई है। दोस्तों दो तीन दिन तो बुखार है, जुकाम तेज है, और मैं नासाजिए तबा दे बावजूद हाजिर हो गया, तो जिवें दा भी टुटा भज्जा बयान है ना, उसनों पजीराई अता करना और कबूल फरमाना। बुखार दी हुण भी हालत है, बहरहाल अल्लाह दी रहमत शामिल हाल होवे ते कोई चीज़ रुकावट नहीं बनती। जे अल्लाह चाहे तो बीमारां कोलों सेहतमंदां नालों ज़्यादा काम लै सकदा है। तो मैं आकाए दो जहां फखर नबियां सरवरे सरवरां खाजाए खाजगां शफीए मुजनबां राहत आशकां मखदूमे अर्शियां फर्शियां दवाए दर्दे दौरां दिल बरे दिल बरां
महबूबे अर्शियां फर्शियां जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद दा तज़करा, आप दी विलादत बासआदत दा तज़करा गुज़श्ता तो पवस्ता खुतबात जुमा दे अंदर करदा चला आ रहा। तो कदे आप दी वालदा नूं ख्वाबां विच बशारतां आ रही ने और सैयदा आमना कहदियां ने जदों सोना अपने बाप दी सुलबे मुबारक तो मेरे रहमे मुबारक दे अंदर शिफ्ट होया ट्रांसफर सोना होया मेरी तबीयत एक अजीब कैफ सरूर लज्जत नशात मुसर्रत अजीब जी तबीयत खुश रहती भला जिथे दू जाना दी रहमत आके डेरा ला लवे वो मकाम पुर मसरूर क्यों ना हो। फरमादिया ने ख्वाबा बड़िया सोहनिया होंदिया ने ते मैनू ख्वाब च ही अल्लाह ने फरमाया ये जेड़ा मौलूद होना है ना मौलूद पैदा होने वाला ये बड़ा मौलूद ते बड़े अगे आए ने ये मौलूद भी है ये महमूद भी है ये मसूद भी है और मेरा महबूब भी है लिहाजा आमना एदा नाम रखना अहमद ये उत्तों हिदायत आई है ख्वाब दे जरिए दादे ने ना रखा मुहम्मद मुहम्मद इसमें मफ़ऊल है जिसकी हर तरफ से हर एक तारीफ करने पर मजबूर नजर आए जो महमूदुल अफ़आल भी हो महमूदुस सिफात भी हो अकमलुल हसनात भी हो। महमूदुल अफ़आल उन्हें कहते हैं जिदा हर काम काबिले तारीफ हो यानी बाल बंदियां कुछ खूबियां होंदियां ने कुछ खामियां होंदियां ने जदों उन्हां दी खामी वेंदे ने लोकां नूं खूबियां भुल जांदियां ने मगर आप दा हर फेर हर अमल जो है काबिले तारीफ है और आप महमूदुस सिफात ने जिन्हियां भी अखलाक करीमाना दियां आप दे अंदर सिफतां ने हर सिफत जो है ओ तारीफ दे काबिल वले कुल नबीन फिल अनाम फजीलतुन उंज ते हर नबी अपने वक्त दे अंदर अपने जमाने दे अंदर काबिले तारीफ हुंदा है वले कुल नबीन फिल अनाम फजीलतुन व जुमलतुन मजमूअतुन ले मुहम्मदी पर सारे नबियां सारे पैगंबरां दियां जिन्नियां भी प्यारियां सिफतां ने औसाफे हसना ने और अखलाकियात करीमाना ने ओ सारियां खूबियां जमा कर लईए ते मजमूआ मेरे नबी सोने बनदे ने। माँ इन रही तो वला समय तो बेमिसली फिन्नास कुल्लेहिम बेमिसले मुहम्मदी मैं एहो जिहा सोना ना वेख्या ना इहो जिहा सुने अल्लाहु अकबर जैसा कि आपने आप बेमिसाल ने बल्कि अदीमुल मिसाल ने बल्कि इंज कह लो कि आप फकीदुल मिसाल ने फकीदुल मिसाल या अदीमुल मिसाल या अदीमुल नज़ीर उस हस्ती नूं क्या जांदा है जिहदी मिसाल ही कोई ना हो। ऐसा में लोग सारे नबी आसमाने हिदायत दे तबिंदा सितारे ने अपने अपने जमाने दे अंदर हर नबी हर रसूल पूरी ताबानी नाल चमकया है पर तारे अरबा खरबा चमकते रहन रात दा हनेरा नहीं मुकदा फिर चन भी चढ़ आउंदा है अजे भी तारीकियां ने अजे भी जुलमता ने फिर सूरज चढ़दा है इक्को ही तलू हुंदा है कायनात दे गोशे गोशे तक उस दिया रोशनियां किरना ताबानियां और दरख्शानियां पहुंच जांदियां ने और सूरज तलू होके जुलमतां ते तारीकियां नू अंधेरियां नू शिकस्ते फाश दे देता है
और सूरज नूं किसे दलील दी जरूरत नहीं। आफताब आमद दलीले आफताब अस्त, सूरज दा चढ़ पैना ही उदे आउण दी दलील है। बैयन अन्ना बंदा जिनू सूरज नजर नहीं आउंदा, जदों उनू उस दी हिद्दत तमाजत हरारत और गर्मी पहुंच दिए और पसीने च डुब जाता है, उस वक्त वो भी कहता यार आज ते सूरज बड़ा चढ़िया है। सितारियां नूं अपना तारफ कराण दी जरूरत है, आ केड़ा सितारा है, सूरज नूं नहीं। और सारे अंबिया दे अंदर मेरे मुस्तफा खुर्शीदे रिसालत बन के तत्लू होए ने और हिदायत दा आफताबो महताब बन के चमके, और आप दी दरख्शानी नाल कायनात दा गोशा गोशा रोशन हो गया है। बज़्म में कौन ऐन सजाने के लिए आप आए, कहो सल्लल्लाह। एक शुदाई जा बंदा शायर बेचारा ना लाहौर दिया सड़कां ते रोल रोल के मर गया, असगर सौदाई। और शायर इतना अच्छा सी कि तुसा क्या ना जनाब सौदाई साहब है कप चाह दा तुहानू मैं पियाना एक गजल लिख दियो, उन्हें उत्थे बह जाना। ये कौम मोया नूं पूजण वाली है, जिउंदिआं दी कदर कोई नहीं, लेकिन वेखो मेरे नबी दी नात किन्नी प्यारी लिखदा है असगर सौदाई। बज़्म में कौन ऐन सजाने के लिए आप आए, शम्मा तौहीद जलाने के लिए आप आए, एक पैगाम जो हर दिल में उजाला कर दे, सारी दुनिया को सुनाने के लिए आप आए। काफले वाले इंसानी काफला, इंसानियत दा काफला जो भटकया होया सी गुमराही दी तरफ जा रहा सी, गुम गश्ता राह सी उसका राहबर आ गया, कायनात दा सब तो बड़ा रहनुमा और मुक्तदा सोना आया, कि वे इंसानियत दे काफले नू सिराते मुस्तकीम दे जीटी रोड ते चाड़ देता है। अल्लाहु अकबर। काफले वाले भटक जाए न कहीं मंजिल से, दूर तक राह दिखाने के लिए आप आए। सोने ने दसिया है हलाल है वे हराम है वे, आ जायजे आ न जायजे, आ नेकीए ऐ बदीए, ऐ हके ऐ बातले, ऐ गुमराहीए ऐ हिदायत, ऐ रस्ता रब वल जांदा है और ऐ दूजा रस्ता शैतान वाला है, ये जहन्नम दी तरफ लेके जांदा है। अल्लाहु अकबर। काफले वाले भटक जाए न कहीं मंजिल से, दूर तक राह दिखाने के लिए आप आए। मोहब्बत ना पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल इलाहो वमन यहुफो बिअर्शी, तुसी नहीं दरूद पढ़ रहे, वो कायनात दा खालिक ओ मालिक भी सोने ते दरूद भेजदा है, और अर्श अजीम दे चारों तरफ तवाफ करने वाले फरिश्ते भी हमा वक्त मेरे नबी सोने ते दरूद पढ़ रहे। सल्लल इलाहो वमन यहुफ बिअर्शही सल्ला अलैहि तय्यिबून अल अखियार, पाक बाज लोग अबरार लोग नेक लोग
आप ते दरूद ओ सलाम पढ़ते ने। अल्लाह अकबर। कौन सोना जिदे वर्गा सोना है ही कोई नहीं, सोना ही नहीं मन मोना भी है। चश्मे बेदार को असरार खुदाई बख्शे और सोने वालों को जगाने के लिए आप आए। और सोने वालों सुती कौम सी ना, गुमराही सी, उन्होंने पता ही कोई नहीं कि हिदायत का राह केड़ा है। चश्मे बेदार को जेड़े जागते सन कुछ अकल वाले सूझ बूझ वाले दानिश बीनिश वाले तफक्कर और तदब्बर की दौलत रखने वाले उन्होंने दूजी बार गल नहीं की, फौरन कलमा पढ़ लिया है। अबू बकर ने, अल्लाह अकबर, हजरत अली ने, हजरत बिलाल ने, कितने लोग ने साबिकून अल्लवलून, उन्हां दियां अखां ते अगे खुरियां सन, सोने बाहों फड़िया जन्नत आले राय पा दिता। और चश्मे बेदार को असरार खुदाई बख्शे और सोने वालों को जगाने के लिए आप आए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदा आमना आप दी वालदा माजदा मोहतरमा मुकर्रमा फरमा दिया ने जदों सोना पैदा होया है। अल्लाहु अकबर। पैदा पैदाइश हुई है ना, बोलो ना, विलादत हुई। अगर नहीं जी तशरीफ लियाए टुर गए, नहीं जी तशरीफ लै गए, मरना पैगा। विलादत भी है और वफात भी है। उम्र किन्नी किन्नी उम्र 63 साल है। 63 फिर क्यों गिनते हो, आए चले गए, दुनिया ते किन्ना जमाना गुजारिया 63 साल। ये टोटल उम्र है आप दी। इहदे विचों 23 साल नबवी जिंदगी है और 40 साल गैर नबवी जिंदगी है। यानी 40 साल मुहम्मद बिन अब्दुल्ला की हैसीयत नाल आपने गुजारे ने और 23 साल मुहम्मद रसूलुल्ला की हैसीयत नाल गुजारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। विलादत होई, फिर रहलत भी होई, ते फौत होए ना। अगर जिनी ये ना आखो फौत होए, जे फौत नहीं होए ते फातिमा वैण क्यों कर रही है, जे फौत नहीं होए सहाबा रोंदे क्यों पे, जे फौत नहीं होए हसनैन ढाई क्यों मार रहे ने। अल्लाहु अकबर। खाली वेग मुसल्ला मिंबर अग बली बिच सीने, जो मैं भी टुर जाना ना फिर आ मिंबर मेरिया यादा होनी। अल्लाह अकबर। कई फिर जिक्र करना है, चलो कोई बुरे हो करेगा कोई चंगे हो करेगा, असी उस मकाम ते तो नहीं ना। ये तो इंज समझ लो आफताब नू चिराग विखाने वाली गल है, जर्रे की नस्बत सूरज नाल की। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा होए, ठीक है, 9 रबीउल अव्वल। मैं दावे ना कहना कोई दुनिया का मुअर्रिख इस बात को झुटला नहीं सकता। सारे मुअर्रिखीन इस्लाम सीरत निगार जितने भी हैं, कदीम भी और जदीद भी, दौरे हाजर ते भी और पहले भी और पिछले भी, इस गल दे उत्ते सारे इतफाक करते ने कि दिन सोमवार दस दुशंबा, फारसी विच दुशंबा शंबा यकशंबा दो शंबा से शंबा चार शंबा पांच शंबा जुमा या अदीना, ये फारसी दे अंदर ना ने। और अरबी दे अंदर जुमातुल मुबारक, ठीक है, अगे अगे केड़ा दिन आता हफ्ता यौमुस सब्त,
यौमुल अहद, यौमुल इस्नैन, यौमुल सुलसा, यौमुल अरबा, यौमुल खमीस, और अंग्रेजी में संडे मंडे। ए तो नहीं पता इन संडे क्यों आते हैं, ये मजूसिया ने ना रखे ने। सन आते ने सूरज न, एस यू एन सन, और एस ओ एन भी सन सन हों, मैं हों बेटा सन ना फला, लेकिन ये सन ने सन फलावर सुनिया, सन किनू आते भला सूरजमुखी। ये जरा पौधा है ना, ये ध्यान अपना सूरज अली रखता है। यह इंज लगता है जिमें लदीस, जिमें साडा ध्यान आमना दे लाल ही रही है ना, किसी और पास से वेंदे ही नहीं। अल्लाह अकबर, ये पौधा भी बड़ा सियाना है। यदा फुल जिधर जिधर सूरज जाए उधर उधर रुख करता जाता है, इस तरह जिधर जिधर कमली वाला गया है एल दीस भी उधर ही जाता है। ये सज्जे खबे वेंदा नहीं। हाँ जी, सन डे डे आने दिन, सन डे सूरज दा दिन, यानी एक दिन मुकर्रर सी मजूसिया दा, उस दिन वो सूरज की पूजा करते स। और मंडे, ये असल च मंडे नहीं, ये मून डे, मून चन आते, ठीक है, यानी चन चन की पूजा करते सन अगले दिन, उहदा नाम रख दिता गया मंडे। मेरे नबी सोने सोमवार को पैदा होए, जिन्हों दुशंबा कहते ने, मंडे कहते ने, यौमुल इसनैन कहते ने, पीरवार भी कहते ने, सोमवार भी कहते ने। रबीउल अव्वल की मुतहक्किक बात है जिसके अंदर कोई तनाजा नहीं, क्योंकि बाज ने 10 रबीउल अव्वल लिखा, बाज ने 12 लिखा, बाज आते ने रबीउल अव्वल का महीना ही नहीं सी। मगर 9 रबीउल अव्वल जिहड़ी है ना 12 नूं आउंदी है, ना 10 नूं आउंदी है, ना 11 नूं आउंदी है, ना 8 नूं आउंदी है, वह आउंदी है ते 9 रबीउल अव्वल नूं आउंदी। और रबी का माना जान दो की तुहाडे विच कोई दस दे जी, जी रबी का माना बहार है। आप दुनिया के उत्ते जो खिजावां छाइया सन और दुनिया के बाग के उत्ते खिजां छाई सी, आप बहारे अव्वलीनो आखिरीन बन के आए, बहारे जां फिजा बन के आए। आप दे आउण नाल खिजावां नूं अबदी दायमी सरमदी, यानी हमेशा वास्ते शिकस्ते फाश हो गई कि हुण सोना आ गया, हुण कोई खिजां जिहड़ी है उहदा जोर नहीं चल सकेगा, हुण कोई जुलमत नहीं ठहर सकेगी, हुण कोई तारीकी इस आफताबे रिसालत दे सामने जम नहीं सकेगी, क्योंकि सोना आफताबे नबूवत और रिसालत बन के आया सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। हाँ जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी विलादत दे वक्त आप दे जिस्म दे उत्ते आप दी दाई जिसका नाम शिफा बिनते औफ है, ये हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ जो अशरा मुबशरा ने, उन्हां दी वालदा मोहतरम है, फरमादियां ने सोने का पिंडा आप दा जिस्म अतहर बिल्कुल साफ सी, कोई अलाइश और कोई किसी किस्म की कसाफत मैल कचैल आप दे जिस्म ते नहीं सी, नुहाण दी लोड़ ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर। और आप मखतून पैदा होए, इमाम बहकी दी रिवायत, मगर उलमा मुहक्किक उलमा ने इसका इख्तलाफ किया कि आप दी विलादत तो बाद बाकायदा तौर पर आप दा खतना किया गया, और अकीका भी किया आप दे दादा ने, आप नू पैदाइश तो बाद उठा के अल्लाह के घर च लै गए और दुआ की, आप नू तवाफ कराया, गोया बैतुल्ला किड्डा खुश होया होगा कि मेरे बनाने वाले खलील ने मेरे विच रब अगे दुआवां मंगियां सन,
कि अल्लाह सब तो बड़ा मुरब्बी, सब तो बड़ा लीडर, सब तो बड़ा स्कॉलर, सब तो बड़ा मुस्ले, सब तो बड़ा रिफॉर्मर, सब तो बड़ा मुक्तदा, सब तो बड़ा पीरे खुदा, और ख्वाजा दोसरा बन के जो आएगा अल्लाह कितने होर देना आवे, मेरी औलाद यानी इस्माइल दी नस्ले पाक चो आवे, और ऐ जरा तेरा घर रुश्दो हिदायत दा जो मरकज तामीर कीता है अल्लाह इत्थे सोना मुरब्बी मुजक्की मुअल्लिम और मुदर्रिस बन के आवे। सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम। काबा भी खुश होया है जी, और तवाफे काबा करवाया है आप दे दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने, और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आतानी, वेख लो काबे दा सरप्रस्त, काबे दा सब तो बड़ा मुतवल्ली, अरब दा सरदार, अल्लाह दे रसूल दा दादा अब्दुल मुत्तलिब, हालांकि बुत परस्ते काबे विच 360 बुत रखे हुए ने, और काबे दी छाते 36 फुट लंबा हुबल बुत जिदे उत्ते उन्होंने बड़ा माण बड़ा नाजे गजवाए ओहद दे अंदर। इस वास्ते अबू सुफियान बड़े माण तरान नाल नारे मार रहा है, ओ लो हुबल, ओ लो हुबल, साडा हुबल जित गया, साडा हुबल गालिब आ गया, साडा हुबल बुलंद हो गया। मेरे नबी सोने ने जदों ये मुशरकाना नारा सुनया है आपने फरमाया ओ उमर ओ खत्ताब दे बेटे इस मुशरक नूं जवाब दे दियो कि जितया हुबल नहीं अल्लाह आला व अजल, अल्लाह जितया है, अल्लाह गालिब है, अल्लाह आला है, आला ने बुलंद नूं सब्बे हिस्म रब्बिकल आला। सही देश की पढ़ते हो सुबहान रब्बी अल आला अल्लज़ी खलका फसव्वा वल्लज़ी कद्दरा फहदा वल्लज़ी अखरजल मर्आ फजअलहू गुसा नहवा। अल्लाहु अकबर। खलील ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जदों 90 साल की उम्र च अल्लाह ने इस्माइल बुढ़ापे की उम्र च अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, सारिया तारीफा ते उस अल्लाह दिया ने, वाहब अली वाहब अली जिन्हें मैनू अता फरमाया है अलल के बरे इस्माइल। बुढ़ापे विच ऐस बुढ़े बारे अल्लाह ने इस बाबे नू भाग ला दिता है, ये अरशां वाला है, ये उहदियां शानां ने, ये उहदियां बेनियाजियां ने। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब अपने वड्डे अकाबरीन और बुजुर्गों की सुन्नत अदा करते हुए ना हुबल याद किया, ना ला तो मनात का तज़करा किया, ना उज़ा देवी की गल की, ना किसी जूनियर ते छोटे रब का कोई जिक्र आया, बल्कि उस रब का शुक्र अदा किया है जो अता करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आतानी हाज़ल गुलामुल मुतय्यिबुल अर्दानी हत्ता अराहो बालिगल बुनियानी अगे चलिए। हलीमा किस्मत वाली आ गई मक्के, और उसकी किस्मत वो सोना आया है जिसकी मिसाल ही कोई नहीं। दाइया तो बड़िया खुश, कोई आखे नहीं मैं फलाने MPA का मुंडा लैके चली हाँ, कोई आखे नहीं मैं फलाने चौधरी का मुंडा लैके चली हाँ, नहीं फलाना सेठ, फलाना सरमायादार, फलाना इन्नी दौलत वाला
मिन्ते बड़ा कुछ लभना है। कुदरत पुकार पुकार के कह रही सी चलियो जेड़ी दौलत मैं ऐस मिसकीन हलीमा नू दिती है आज तक किसे औरत नू मिली नहीं। और डाची दे सवार हो दी चाल ही बदल गई। हलीमा कह दिया ने मेरा पुत्र अब्दुल्ला रोंदा रहिंदा सी मेरी छाती का दुध सुक गया सी सोना आया अल्लाह ने लै रही नहीं बह रही नहीं दुध दियां नहरां चला दित्तियां। अल्लाह अकबर ऊंटनी ने भी दुध दिता। ऊंटनी सोहनिया चालां चलदी हवाजन कबीले तक जा रही जिहड़ियां पहलां दिहाड़ी टुरियां सन उहनां नूं भी पिछे छड़ दिता। ऐ सोहनिया चालां चल के कोलों दी गुजरती जा रही है। वह पुछदिया नहीं अली मां नहीं गल तो सुननी नहीं कितों इन्नी पावर आ गई है तेरे बिच और तेरी डाची दे अंदर। रोके के आस नहीं सुनो सहेलिया नी अल्लाह अकबर हलीमा आख दी सुनो सहेलिया नी एवें रब ने लाया सबब सोना नी कर्मा मारी दे जाग पै कर्म वेखो नी जिन्ने कर्म कीता है, ओ है रब सोना नी तुसी समझ यतीम सबे छड़ आईया नी मैं ले आई वो चब सोना मेरे वेड़े विच बरकत ही बरकता ने नी जदों आन के रखे आए स पब सोना। ए कौन सोना है अल्लाह अकबर हसब विच सोना नसब विच सोना निजी दा जद सोना नाले अब सोना नानक दादक वल्लों सरदारियां ने नाना वहब दादा मुतलब सोना। कई उन्हें सैयद उस सैयद ने मुसलन नाल शादी कर ली। हूँ वो जो पुत्र सन उन्होंने तो किसी यही आखना सी मुसलन चो है मिरासन चो है भावें वह खालिद सैयद होवेखो नजीब उत्तर फैन नहीं आ नजाबत शराफत मेरे नबी सोने अल्लाह ने अता फरमाइया ने नाना वाहब अपने कबीला बनू जोहरा का सरदार है और दादा हाशम कबीले का सरदार है और पोता कायनात का सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दिन पूछया हलीमा नू सहेलियां ने नी तू कमजोर केडी शाजोर हो गई नी तैनू टुरन दा वल नहीं आवंदा सी तेरी जग तो वखरी टोर हो गई हुण ते साडे भी मथे तू नहीं लगदी नी सानू मिलन कोलों कानू चोर हो गई नी तू सोने मुहम्मद लासीने नी तू होर हो गई। एक दिन पूछया हलीमा नू सहेलियां ने जिवें असीं खुश हां ना सानू बेमिसाल पीर मिलिया सानू फखर है क्यों भाई कई सानू एवें कन्नियां फड़ के खिंचदे ने उधर जाइए आ साडे मुर्शिद पाक ने बड़ियां शाना वाले ने बड़े प्यारे ने बड़ियां करामतां ने क्या बात है गद्दी बड़ी भारी है। मैं क्या रहन दिओ सानू जिथे आया एदो वड्डी भारी गद्दी रब्बे कायनात ने ना पैदा कीती है और ना क्यामत तक करेगा। अल्लाह अकबर दिन हुंदियां जो सू दिन हुंदियां जो दीवा बाले आम के उसनू कहिए ते अहमद हुंदियां फिर मुर्शद लब्बे उसदा नाम की लईए। अल्लाह अकबर
ਐਡਾ ਪੀਰ ਸੋਹਣਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਉਂ ਬਈ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸੈਯਦਾ ਹਲੀਮਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹਲੀਮਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹਲੀਮਾ ਨੂੰ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲ ਚੰਗਾ ਤੇਰੇ ਹਾਲ ਦਾ ਏ, ਨੀ ਮੈਂ ਕਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਤਰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਏ, ਨੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰਵੇ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਕੋਈ ਤੈਫ ਵਿੱਚ ਬਾਲਦਾ ਏ। ਇਹ ਤੈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਦਰਖਤ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੇਲ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਹੈ ਰੋਵਰੇ ਜ਼ੈਤੂਨ। ਰੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹਲੀਮਾ ਸਹੇਲੀਓ ਨੀ, ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀਆਂ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਰੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹਲੀਮਾ ਸਹੇਲੀਓ ਨੀ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ, ਭੁੱਖੀ ਮਰਦੀ ਸਾਂ ਕੱਲ ਸਹੇਲੀਓ ਨੀ, ਅੱਜ ਨਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਈਆਂ, ਨੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਤਰ ਲਾਂਦੀ, ਨੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਤਰ ਲਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਤਰ ਲਾਂਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਕੇਸ ਦੀ, ਨੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਤਰ ਲਾਂਦੀ, ਨੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਨੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਤਰ ਲਾਂਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਕੇਸ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਮਹਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈਆਂ, ਨੀ ਦੀਵਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਲੀਮਾ ਤੂੰ ਫਰਸ਼ੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਏ, ਲੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਅਰਸ਼ੇ ਅਜ਼ੀਮ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯਾ ਅਯੂਹੰ ਨਬੀਯੋ ਇੰਨਾ ਅਰਸਲਨਾਕਾ ਸ਼ਾਹਿਦੰ ਵਮੁਬਸ਼ਿਰੰ ਵਨਜ਼ੀਰਾ ਵਦਾਇਅਨ ਇਲੱਲਾਹਿ ਬਿਇਜ਼ਨਿਹੀ ਵਸਿਰਾਜੰ ਮੁਨੀਰਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ! ਕਿਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਦ ਜਾ ਅਕੁਮ ਮਿਨੱਲਾਹਿ ਨੂਰੁਮ ਵਕਿਤਾਬੁਮ ਮੁਬੀਨ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਸੋਹਣਾ ਨੂਰੇ ਹਿਦਾਇਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਚਮਕਿਆ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ, ਜ਼ੇਨਾਂ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ, ਬਦਅਕੀਦੇ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ, ਕੁਫਰ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ, ਸ਼ਿਰਕ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ, ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ, ਜਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ, ਬੇਰਾਹ ਰਵੀ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ, ਸਾਰੇ ਅੰਧੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ। ਆਪ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਚਮਕ ਉੱਠੀ ਏ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਿਆਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ ਦਲੇਰ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਿਦਾਇਤ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਮੇਰਾ ਮੁਸਤਫਾ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ! ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਪਨ ਹੈ! ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਲੀਮਾ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਕਿੱਡਾ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਨਾਰਮਲ ਬੱਚੇ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚੇ, ਮਗਰ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਨੇ! ਇੱਕ ਇਮਤਿਆਜ਼ੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਹੈ ਆਪ ਦੀ ਕਿ ਆਪ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਇਤਨੀ ਗਰੋਥ, ਇਸ ਕਦਰ
सेहत अल्लाह ने अता फरमाई और बचपन भी बड़ा पकीजा है। कोई गलत हरकत आपके बचपन के अंदर लभ्या नहीं लभदी। अल्लाह अकबर, मेरे बाबा शमशाम याद आ गया है, फरमाते ने मैं सदके ओ जमया जिन्नू जात बारी ने औलाद आदम दी सारी थी चुनिया। मैं सदके ओ जमया जिन्नू जात बारी ने औलाद आदम दी सारी थी चुनिया। न दा मारिया कदे धोखा न कीता रिया मकरदा ताना तणिया न उणिया। मैं सदके ओ जमया जिन्ने छोटी उम्रे बिना झूठ के आते ना झूठ सुनिया। न गाली न मंदा कदे हाणिया नू न मां प्यो किसे तो पुनाया न पुनिया। थोड़े जे वड्डे होए मक्के वालियां दी कुछ दिनार दी मजदूरी ते मक्के वालियां दी बकरियां सोना चार रहे हैं। मक्के दियां वादियां गवाह ने होर भी छेड़ू है। एक दिन एक छेड़ू कहिंदा ला भी साढ़े शहर मक्के विच ना अज एक शादी का फंक्शन है ते उत्थे गान बजान वाले थिएटर आना है गाना बजाना होना है। क्या बात है, वेखन वाली मजलस है। ए मुहम्मद तू भी साढ़े नाल जाना है। फरमाया मैं एहो जिया महफिलां कदे गया ही नहीं। कहने लगे सी लैके जाना है। एक रिवायत यह है कि आप फरमाते ने उन्हें जिद की मैनू ले जाण दी, मैं इनकार कर रहा वा। उन्हें सारे मिल के मैनू उठाण की कोशिश की, कसम रब दी मैनू उठा ही ना सके, मेरी थां तो मैनू हिला ही ना सके। और एक रिवायत यह है कि आपनू लै गए धक्के नाल। आप सल्लम खुद कहते ने मैं मजलिस जाके तो बह गया पर जदों आ मौसीकी दी महफिल शुरू होनी सी ना ते मेरे ते नींद अल्लाह गालिब कर दिती। मैं सौ गया, जागया पेड़ खाली कोई शह नहीं नजर आउंदी। अल्लाह ने मैनू शैतानी महफिलों तो शैतानी आवाजा तो आलाते मौसीकी दिया सुरा तो अल्लाह ने मैनू आप बचाया। अल्लाह अकबर, एहो जिहा प्यारा बचपन। अकबर इलाहाबादी याद आ गया है। किस तरह मेरे नबी का बचपन बयान करता है। अल्लाह अकबर की कहता है, रिवायत है अक्सर महल्लों के लड़के। अल्लाह अकबर, रिवायत है अक्सर महल्लों के लड़के जो मक्के की गलियों में जा खेलते थे सुझाते थे उनको भी राहे हिदायत। अजब खेल ये मुस्तफा खेलते थे। रिवायत है अक्सर महल्लों के लड़के जो मक्के की गलियों में जा खेलते थे सुझाते थे उनको भी राहे हिदायत। अजब खेल ये मुस्तफा खेलते थे, कभी लात मारी कभी तोड़ डाला, कभी लात मारी कभी तोड़ डाला, बुतों में रसूले खुदा खेलते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते ने साडे मक्के तो कुछ मील दूर एक बुत सी बुआना, उहदा नां की सी? ये बड़ी वड्डी दरगाह सी। मक्के तो बाद इत्थे बड़ियां कुर्बानियां चढ़ावे तवाफ मनता मनौतियां खीरा दे पतीले देगा चौला दियां जनाब बड़ा कुछ है मक्के दे मुशरक। असल गल है वे जिहड़ा मुशरक हुंदा है ना उहदी एक थां तसली हुंदी नहीं, थां थां ते मत्थे टेकदा है। कदे मत्थे टेके कबरां नूं, कदी मत्थे टेके कबरानू, कदी हजरानू कदे शजरानू, कदे जेरानू कदी जबरानू, एक बैठा है रब विसार एक दिन मर जाना।
अल्लाह बाज ना गैर पुकार ते एथे नहीं रहना। अल्लाह अकबर। कहते ने मेरिया सारिया फुफिया भी गई, चाचे ताए भी सारे गए, और पूरा मक्का अपड़िया है उथे मेला सी आखिर केड़ा बोते केड़ी दरगाह है बुआना याद रखे जी। लो जी जिस वक्त उथे पहुंचे ते वह तो सारे जनाब लग पे शिरकिया काम अमल करन, कोई सजदा भी करे, कोई चढ़ावा पे चढ़ाए, कोई सलाम पे पेश करे। अल्लाह अकबर। इतने भी इो कुछ ही होंगे, सारिया बार गाव वेंदे पे हो ना, कोई पाक पटन जाके सजदा करता वेख्या सा जी टीवी च, क्यों भाई अल्लाह पिछों आते नहीं जी सजदा अल्लाह का हके, अल्लाह का हके तो मत्था इतने क्यों गिर रहा है, ये हक जो अल्लाह का है दूसरे ने क्यों दिता जाता। तो कहते ने मैं जो वेख वेंदा है वेखण वास्ते ही कोई इस नजरिए नाल नहीं कि मैं इन सलामी देनी है, मैं उस बुद्ध के करीब गया ना वो विचों आवाज आई ऐ मुहम्मद मेरे तो दूर हो जा। अल्लाह अल्लाह किस तरह हदायत दे रहे, रहनुमाइयां कर रहे हैं और किस तरह हदे रहे हैं, तो अल्लाह बचा रहे है ऐ प्यारा बचपन। फिर आप कहते रहे मैं गुम हो गया, मेरिया सारिया फूफिया आतका सफिया बर्रा अरवा उमैमा उम्मे हकीम अल बैजा ये सारिया बेचारियां बड़िया परेशान और मेनू लभण ते मुहम्मद किधर गए। भला जेड़ा लोगों राह वखाण वाला है वो आप गुम हो सकता है कि ख्याल। माई हलीमा जदों ये वाकया पेश आया ना अबवा दी बस्ती च कि आप अपनी भैन रजाई भैन शीमा दे नाल जिसका असल नाम तो हजाफा है, असल नाम हजाफा है, दूसरी भैन है अनीसा और आपका रजाई भाई है अब्दुल्ला, इन्हों दे नाल आप दी भी तशरीफ लै गए तो हलीमा दे बच्चे गवाही देते हैं, अब्दुल्ला गवाही दे रहा है, शीमा गवाही दे रही ने हजाफा और अनीसा गवाही दे रही ने कि अम्मा आज ते शाम तक सानू मौज लगी रही है, असी धुप्पे सड़दे सा, ए मुहम्मद सोना आ साडा हाशमी ते कुरैशी भरा अज साडे नाल गया जंगले च, साडे ते सारा दिन बदल ने छां कीती रखी और साडियां बकरियां कुखा कढ के रज के आईया ने, लोगों दिया बकरिया दिया कुखा ते वखियां विच बड़ी आईया ने, हलीमा दिया बकरिया जनाब बड़िया खुश पेट भर के आईया ने, ये बरकता ने मेरे मुस्तफा दिया। तो वाकया पेश आया कि उस वक्त दो सफेद लिबास मलबूस बंदे आए, एक ने ऐस बाजू तो पकड़िया एक ने ऐस बाजू तो, और उत्थे जंगल के अंदर ही बस्ती तो बाहर आपनू लिटा देता है और हलीमा दिया बच्ची बच्चियां और बच्चे दौड़े, अम्मा नहीं अम्मा वो साढ़े कुरैशी भाई नू को दो बंदे कतल कर रहे। हलीमा कह दिया ने मैं पैरी जुती भी ना पाई, उबड़ वाए घबरा के परेशान होके नस्सी अगे गई ते वेख्या कि लो जी ऑपरेशन मुकम्मल हो चुके, आप खड़े ने मगर चेहरे ते खौफ है और स्याही है, वहशत है और घबराहट है। जानिया चुक लिया सीने नाल लाया, मैं सदके ऐ मुहम्मद की होया तेनू, की होया की वाकया पेश आया मैं जरा मैनू दस ते सही। फरमांदे ने दो बंदे आए ने उन्हें मैनू लिटा लिया है और मेरा सीना चाक कीता है और अंदरों कोई काली जी शह कढ के बाहर सुटी। हर किस्म का कीना है, बुगज है, हसद, यानी सारिया अखलाकी बीमारियां जिन्हिया सन ना सीना अल्लाह ने पाक कर दिता है। क्यों आख्या अलम नशरा लक सदरक। उस तो बाद उस वेले ही उन्होंने सिलाई कर दिती है और वह फिर गायब हो गए ने। फरमाते ने ना मैनू कोई दर्द होई है किसी किस्म की और जख्म भी कोई नहीं, उस वेले इंदमाल हो गया है, जख्म मिल गया है। ऐ आप दे सीने मुबारक दे उते इस ऑपरेशन दे आसार सन।
बाद मुअर्रखीन और सीरत निगारा ने लिखा कि आप दे दो ऑपरेशन हुए और बाद ने कहा नहीं चार दफा आप दा ऑपरेशन हुआ। एक सलीमा दी बस्ती विच बचपन के अंदर और एक बारी मेराज के मौके दो बारी हो रहे बैतुल्ला के करीब ही ऑपरेशन हुआ। तो दोस्तों इस वाकया तो बाद मियां बीवी मशवरा किया भी आज जो हादसा होया है ना साढ़े को अमानत है तो अरब के सरदार की अमानत है जे को वादा घाटा हो गया असी खाजा अब्दुल मुतलिब नूं जवाब की देंगे ये जिन्ना की अमानत है ना वेले नाल उन्हां नूं पहुंचाइए। दुआ ने ऊंटनी तैयार की सोने नूं लैके बह गए। हलीमा कह दिया ने मैं जिस मक्के पहुंची बाजार के अंदर रश सी ये उम्मल कुरा है बैनुल अक्वामी इंटरनेशनल शहर अगर कायनात के अंदर रूहानी एतबार नाल जिस्मानी एतबार नाल अजमत के एतबार नाल सतवत के एतबार नाल रिफत के एतबार नाल अगर कोई इंटरनेशनल सिटी है वह मक्का है या मदीना उम्मुल कुरा सारिया बस्तियां शहर की मां ये लंदन उम्मुल कुरा नहीं वाशिंगटन उम्मुल कुरा नहीं न्यू यॉर्क उम्मुल कुरा नहीं न्यू दिल्ली उम्मुल कुरा नहीं पीकिंग उम्मुल कुरा नहीं उम्मुल कुरा सिर्फ और सिर्फ मक्का है। अल्लाह अकबर फरमानी ने बाजार ही राइसी मेरे हथों उंगली सोने की छुट गई आप गुम हो गए मैं भजी इधर लब उधर लब बड़ी परेशान हाँ लब लब के जदों मैं मायूस हो गई आप दे दादे को सीधी आई अर्ज किया कि हजरत जी सरदार जी तुहाडा पोता मेरे को गुम हो गया मैं ते कोई थान नहीं छड़ी लभण विच कोई कमी नहीं मैनू नहीं लभ्या आप हस पै फरमाया हलीमा परेशान ना हो वो सोना गुआचन वाला है ही नहीं ठीक है वह गुआचन वाला है ही नहीं वह तो पुलिया राय पाण वाला है। थोड़ी देर गुजरी दो बंदे आ गए इन्हों में एक वरका इब्ने नौफल है और एक होर शख्स है उन्होंने आपू पकड़िया होया और कहते सरदार जी आ तुहाडा पोता लभा ये आपका बचपन है सुभान अल्लाह भाई बचपन कई बड़ा प्यारा होंगे हजरत अली रजी अल्लाह तला हो इन्होंने बचपन है तो बचपन के भी केड़ा दौर है जदों आप शीर खारगी की हालत माँ का दुध पी रहे हैं आपकी वालदा फातिमा बिनते असद हाशमिया खातून है वह कहदियां ने मैं अली नूं पंगूड़े च पाया सी मेनू काम सी मैं किसी गुआंढ नाल चली गई पिछों जो मैं आई थोड़ी देर तो बाद ते मंजर की वेख्या पंगूड़े ते एक सप चढ़िया है ते मेरे अली सोने ने उन्हूं इस तरह धौण तो फड़ के चीर फाड़ के रख दिता। मैं उस दिन तो अपने पुत्र अली का नाम हैदर रख दिता अली मेरा पुत्र हैदर हैदर आदर बहादुर नूं असीं मन्ने आ अली हैदर है अली सफदर है शेरे नारे शेरे बबरे कातले अनसरे जी कदरे बरतरे बेतरे मेरे नबी दा ब्रादरे अली फातिमा दा शौहरे अली हसनैन दा पितरे और फाते खैबर तो रजी अल्लाह जिन्हां दियां राखियां अल्लाह आप करन वाला है उन्होंने सप लड़ सकता है। गारे च भी आया सी ये काला नाग अजे तक मगरों लथे ही नहीं है काला अजे भी बकवास करता है उथे भी आया कितों रस्ता नहीं मिल रहा सिद्दीक दी अड्डी दे उते डंग लाता है मगर जे तबीबे रूहानी कोल होण ते डर केड़ा है कोई सन्यासी कोई दुनिया दा हकीम कोई मुआलज कोई डॉक्टर आप सलम दा मुकाबला कर सकता है। सिद्दीक ने इन्नी अजियत और तकलीफ के बावजूद अपने पीर नूं जगाया नहीं सिद्दीक दी झोली में सर रख के मेरे आका सुते पए ने मगर अखा ने तर्जमानी कर दिती आंसू गर्म गर्म चेहरा नबूवत गिरे सिद्दीक तेरे आंसू भी किड्डे कीमती ने
हाय जमीन ते नहीं गिरदे, वजुहा दे चेहरे वाले ते गिरदे। आप जागे, अबू बकर रो रहे हैं, मेरे उद्या की तकलीफ है जे किसी ने डंग मार दिता है। ऐ देखो ना एड़ी दे उत्ते मैनू बड़ी टीस हो रही है, मैं सी भी नहीं कीती मेरे पीर नू तकलीफ ना होवे। फरमाया इधर कर एड़ी। उस वक्त होर ते कोई इब्तदाई तिब्बी इमदाद नहीं सी ना, की आंदे हो फर्स्ट एड पहली इमदाद। आपने अपना लम मुबारक सिद्दीक दी एड़ी ते लगाया है, दर्द काफूर, दर्द खत्म हो गया। जिथे एडा सोना बरकता वाला पीर होवे उथे दर्द किवें रह सकता है। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 6 साल दी उम्र तक हलीमा दे घर विच गुजारे। फरमादियां ने मेरी धी शीमा अपना वीर सक्का मां प्यो जाया अब्दुल्ला उन्हू नहीं चुकदी, ते इस हाशमी वीर नू सारा दिन खिडांदी और मुहब्बत नाल लोरियां की देंदी है। रब्बना या रब्बना अब के लना मुहम्मदा हत्ता अराओ हत्ता अराओ या फिउं व अमरदा सुम्मा अराओ सैयदं व मुसव्वदा व आते ही इज़्ज़ैयदुमो अबदा। अल्लाहु अकबर। तर्जमा क्या है? रब्बा मेरे आ मेरे वीर मुहम्मद नू लमिया उमरा ता फरमाई, एक कड़ियल जवान बने, ए छैल छवीला सोना गबरू जवान बने, फिर ऊंट दा सवार होवे ए जांदा होवे मैं वेंदी होवां। अल्लाह मेरे वीर मुहम्मद दे हासदा ते दुश्मना दा बी खत्म कर दे, उन्हां सारिआं नू मिटा दे। हत्ताराहो या फिउं व अमरदा सुमारा हो सैयदं व मुसव्वदा। अल्लाह मेरे वीर सोने नू सरदारियां अता करी, जहान दी कायनात दी सरवरी अता करी, सोने वर्गा आज तक मैं सोना वेखे ही नहीं। वाते ही इज़्ज़ैयदू मुआबदा। हमेशा दियां इज्जतां अता फरमाई। कुदरत वल्लों जवाब आया होवेगा, शीमा तेरियां सारियां दुआवां कबूल ने, तेनू अखां नाल वखावांगा, तेरा वीर अरब दे सरदार नहीं, ए अजम दा भी सरदार होवेगा, ए कौनैन दा सरदार होवेगा, ए सकलैन दा सरदार होवेगा, ए अर्शियां दा सरदार होवेगा, ए फर्शियां दा सरदार होवेगा, ए अव्वलीन दा सरदार होवेगा, ए आखिरीन दा सरदार होवेगा, ए मुरसलीन दा सरदार होवेगा, ए पूरी कायनात दी सरवरी ते सरदारी ते जैलदार ते छैलदारी ते नंबरदारी दा ताज मैं सोने दे सिर ते सजावांगा। अल्लाह अकबर। फिर वो वेला आया 8 हिजरी हुनैन दी जंग ते, इस हवाजन कबीले दे मर्द और औरतां कैदी बन के आए। उन्हां कैदियां विच हलीमा भी है, हलीमा दी धी शीमा भी है, और बार बार कह रही है वे मुहम्मद दे फौजिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वे मैनू गिरफ्तार ना करो, मैं तुहाडे नबी दी भैण हां। वो कहिंदे ने बीबी को गल करन वाली कर, साडा नबी सोना ते अपने मां प्यो दा कल्ला पुत्तर है, ना कोई भरा ना कोई भैण। उन्हें आखिया असीं नहीं तेरी गल मनदे। हलीमा भी गिरफ्तार हो गई, शीमा भी गिरफ्तार हो गई। जिस वक्त कमली वाले दे करीब आईया दुआई दे रही है, आपने फरमाया बीबी तू कौन है, कितने 6 साल की उम्र, कितने हूँ वेखो 50 तो उत्ते उम्र है आपकी। तो उस वक्त उन्हें तारीफ करा अपना पहचान करवाई। वे मुहम्मद सोने तेनू की पता है मैं ओ तेरी भैन शीमा वा जो तेरिया सिक्का रखती स,
तेरे वास्ते दुआवां कर दी सां, तेनू मैं मुहब्बत दियां लोरियां दे दी सां, तेरे तेरी मिदस सराई दे अंदर मैं गीत गाया कर दी सां। जे नहीं यकीन आउंदा मैनू एक बारी निक्कियां हुंदियां सोणिया तू ऐ मैनू वक्खी ते दंदी मारी सी, उहदा निशान अजे भी मौजूद। अल्लाह अकबर, मेरे आका नूं पता लगा ये ते मेरी रजाई भैण है, दुध भैण है, आ मेरी मां ली मां सादी है। उस वक्त अपनी मुदस्सर वाली कबली उतार के जमीन ते बिछा के मावां तियां नूं अदब और एहतराम नाल बिठाया है। एक महीना तक आप नूं मेहमान रखे है और इन्हां मावां तियां दे वजह तो इस कबीले दे सारे मर्द सारियां औरतां जो कैदी बना के लिए गए सन सब नूं आजादी अता कर दिती है, सब आजाद कर दिते ने। और जिस वक्त टोरिया इंज टोरिया जिवें कोई सक्का भरा टोरदा पैण नूं, मालो दौलत दे के ऊंट दे के दुआ मावां तियां नूं अदब एहतराम नाल टोरिया है। यह है मेरे मुहम्मद सुणन दी सीरत मुबारका, यह है आपका मुबारक बेदाग बचपन और लड़कपन। अल्लाह साडे बच्चों नूं भी ऐसा पाकीज़ा बचपन अता फरमा। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब तो पहले मैं दुआ की दरख्वास करांगा कि साडी जमात की हर दिल अजीज शख्सियत बैकरे खलास और अखलाक करीमाना का मुजस्म नमूना मेरी मुराद हजरत मौलाना हकीम मोहम्मद अफजल जमाल, जो दिल के अटैक की वजह को रजाए इलाही नाल इंतकाल फरमा गए हैं। अल्लाह ताला मेरे भाई अफजल जमाल साहब को अपनी जवारे रहमत की जगह अता करे, दर्जात बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस बख्शे, उन्होंने गलतियाँ कोताहियाँ तो दरगुजर फरमाए, उन्होंने बूढ़े वालदैन पैना पाई अहल खाना जितने भी गमजदा ने गम गुसारान ने अल्लाह सब सबरे जमील की तौफीक अता फरमाए। और इस तो बाद हाजी मुहम्मद सिद्दीक साहब साड़ी जमात की मारूफ शख्सियत ने जिन्हों का मस्कन रिहायश लद्दे वाला बड़ाइच है, उन्होंने बरादरी अकबर बड़े भाई जनाब मोहतरम मुहम्मद यूनस साहब बीमार ने जेरे इलाज ने, मेरी दुआ है कि अल्लाह उन्होंने सिद्ध कामला अज लाता है। इस अलावा साड़ी इस मस्जिद मुस्लिम के नमाजी फारूक साहब जो कि जिन्होंने फारे का अटैक होया है, अल्लाह ताला को दुआ है कि अल्लाह उन्होंने सेहत कामला अजला अता फरमाए जल्दी तो जल्दी, और रस्म साहब फिर मस्जिद जाके बाजमात नमाज अदा करने तो तौफीक बख्श। और उन्होंने वालों सारी मस्जिद के नमाजिया मुखलिसाना सलाम है। रुका जिन्हें कहा मेरे मियाँ साहब और तू बेटा दोनों बाप बेटा परदेस ने, अल्लाह ताला जी उन्होंने अपने हिफाजत रखे, अपने मकासद के अंदर कामयाबियां अता फरमाए। जिस तरह के पता ना मैं गला बैठ गया सी और नासाजी तबा की बिना सिलसिला इस इश्तहार छपवाण का ये कुछ खत्म हो गया सी। दोबारा जमाती अहबाब ने तकाजा किया कि शाह साहब यह सिलसिला बड़ा अच्छा से यू चलाना चाहिए, तो यह छे मजमून सिलेक्ट किए गए
ਕਹਿੰਦਾ ਐਦੇ ਤਫੂਲੀਅਤ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਪਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਮੌਜੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਅਗਲਾ ਜੁਮਾ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਦਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਸ਼ਬਾਬ ਏ ਮੁਸਤਫਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜਵਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਰਾ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਨ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕੈਸੀ, ਇਹ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਜੁਮਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਜੁਮਾ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਜੁਮਾ ਹੈ 4 ਨਵੰਬਰ ਦਾ, ਤੌਹੀਦ ਇਲਾਹੀ। ਫਿਰ 11 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਜੁਮਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉਨਵਾਨ ਵੀ ਤੌਹੀਦ ਇਲਾਹੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਟਾਪਿਕ ਹੈ, ਐਸਾ ਮਜ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। 1,24,000 ਨਵੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹ ਮਜ਼ੂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਪੰਜਵਾਂ ਜੁਮਾ ਯਾਨੀ 18 ਨਵੰਬਰ ਦਾ, ਆ ਯਾਦ ਇਲਾਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ, ਇਸ ਮਜ਼ੂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਖਰੀ ਜੋ ਜੁਮਾ ਹੈ 25 ਨਵੰਬਰ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਵਾਕਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਸੁਲੇਮਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਦਾਅ ਮੈਂ ਲਾਂਗਾ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜੁਮਾ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਛਪ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله